हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और कोविड को जम के हरा रहे होंगे। इससे पहले एक वीडियो में हमने मेक माई ट्रिप से रिफंड लेने के बारे में एक वीडियो बनाई थी। काफी दिक्कत हो रही थी, हमने एक फ्लाइट बुक की थी इंडिया टू जर्मनी की, जो कि कैंसिल हो गई थी, बट रिफंड के लिए मेक माई ट्रिप ने मना कर दिया था। खैर, जो भी पूरा इशू था वो अगर आपको देखना है तो उसका लिंक मैंने ऊपर यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने मेक माई ट्रिप से कैसे रिफंड लिया। तो भाई, रिफंड आ गया, वो भी मेक माई ट्रिप से, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे जाओ और फिर अपनी बुकिंग पे जाओ और उसके बाद जाके एक क्वेरी जनरेट करो, ठीक है। इसके बाद आपको एक ईमेल आएगी मेक माई ट्रिप की तरफ से कि भाई आपकी क्वेरी 24 से 48 घंटे में रिजॉल्व हो जाएगी और ये आपका रेफरेंस नंबर है। तो 24 से 48 घंटे वाली बात तो ऑब्वियसली उनकी झूठी है, बट ये जो रेफरेंस नंबर आपको मिला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको जो भी ट्वीट्स करने हैं या मेल करनी है या टेलीफोन करना है, मतलब जो भी आपको आगे फर्दर कम्युनिकेशन करना है मेक माई ट्रिप से, इस रेफरेंस नंबर को हमेशा मेंशन करना है, ठीक है। तो हमने भी फिर यही किया। उसके बाद हमने ट्वीट्स किए मेक माई ट्रिप को बहुत सारे, मतलब यार बहुत ही सारे, मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे हमने जो है ट्वीट किया है मेक माई ट्रिप को। और अगर आपको ट्वीट देखना है कि हमने हमारा ट्वीट एग्जैक्टली क्या था, तो mega.vlogs ये हमारा ट्विटर हैंडल है, mega.vlogs पे जाके आप हमारे ट्वीट्स पेस्ट भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। ट्वीट्स किए, ईमेल की, वेट किया, सब कुछ किया, पर भाई मेक माई ट्रिप तो मेक माई ट्रिप है। उसके बाद एक दिन उन्होंने रिप्लाई किया कि भाई आपका रिफंड तो नहीं मिल सकता। फिर मैंने एयरलाइन से कांटेक्ट किया, एयरलाइंस वालों ने बोला कि हमने आपका रिफंड ऑलरेडी जनरेट कर दिया है और मेक माई ट्रिप को दे दिया है। ये जो कम्युनिकेशन था ना, ये आगे मैंने मेक माई ट्रिप को फॉरवर्ड किया। तो अगर आपकी एयरलाइन से बात होती है ना, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप, ये अगर आपको एयरलाइन आपको बोल देती है कि वो रिफंड देने को तैयार है या रिफंड उन्होंने कर दिया है, तो ये आपको मेक माई ट्रिप को भेजना है, ठीक है। तो ये जो ईमेल थी जो हमको एयरलाइंस के थ्रू मिली, ये हमने आगे मेक माई ट्रिप को फॉरवर्ड कर दी। इसके बाद काफ़ी महीने वेट करने के बाद मेक माई ट्रिप ने बोला कि ठीक है, हम आपका रिफंड कर देंगे, जो कि उन्होंने नहीं किया उसके बाद भी। पर क्या क्या हुआ, पूरी टाइमलाइन क्या क्या थी, इसके बारे में मैंने एक पोस्ट लिखी है, उसका लिंक फर्स्ट कॉमेंट जो यहाँ पे है उसमें डाल दिया है, ठीक है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। फाइनली हमारा जो रिफंड था वो आ गया, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो आपको पहले अपनी बुकिंग पे जाना है मेक माई ट्रिप पे, वहाँ जाके एक क्वेरी जनरेट करनी है, रेफरेंस नंबर लेना है और इस रेफरेंस नंबर को लेके आगे ट्वीट्स करने हैं और ईमेल करना है मेक माई ट्रिप को। और अगर एयरलाइंस के थ्रू अगर आपको कोई ईमेल मिल सकती है जिसमें वो बोले कि भाई आपका रिफंड मिल जाएगा या उन्होंने ऑलरेडी रिफंड कर दिया है मेक माई ट्रिप को, तो ये जो ईमेल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको लेके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट करो और ईमेल करो मेक माई ट्रिप को। और ढेर सारा पेशेंस रखते हुए ना वेट करते जाओ यार, करते जाओ वेट और ईमेलबाजी करते जाओ, ठीक है। यही हमने किया। ये स्टेप्स हो सकता है कि आपके लिए काम करें या हो सकता है ना भी करें। मैंने क्या किया और किस तरीके से रिफंड लिया, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरीज हैं या कन्फ्यूज़न है या कुछ भी है, तो यार कमेंट कर लो, या फिर इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं अवेलेबल, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे लिखी हुई आ रही है, वो है @sid.in.germany, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो यार करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा रिफंड आ गया, आई होप कि आपका भी रिफंड आ जाए जल्दी ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि किसी ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में होगी। तब तक के लिए अलविदा।